12th स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ में आज हमें कहानी के तरफ जाने वाले हैं। कहानी का शीर्षक होता है शरणागत। आतर होते हैं श्री वृंदावन लाल वर्मा। लेखक परिचय। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानी लेखक हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। वे सामाजिक कहानियां लिखने में भी कम प्रसिद्ध नहीं हैं। उनकी रचनाओं में झांसी रानी, मृगनयनी आदि बड़ी धूम मची है। इस कहानी में बुंदेला शरणागतों के बारे में कहा गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं रजब कसाई और गांव का ठाकुर। ठाकुर के बारे में कहते समय, ठाकुर के पूर्वज धनी थे, मगर आज वह गरीब ठाकुर हैं। फिर भी वह लोगों पर रौब जमाता है। मटपुरा गांव में लोग डर के मारे उसे राजा कहकर पुकारते हैं। वह रुपये पैसों के लिए रात को यात्रियों को लूटा करता है, फिर भी शरणागतों की रक्षा करता है। वह लोग लज्जा से डरता है, इसलिए कसाई का सवेरा होते ही घर से निकाल देता है। कहानी अब शुरू होता है। चलो कहानी के तरफ देखेंगे। रज्जब जब अपना रोजगार करके ललितापुर लौट रहा था, साथ में स्त्री थी और गांव में 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना था, इसलिए उसने मटपुरा गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्चा ज़्यादा पड़ता, इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना वह ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जाती छिपाने से काम नहीं चल सकता। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पाजामा पहनी थी। इसके सिवा गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मनीय और अकर्मनीय ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, किसी में भी मंजूर ना किया। इन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत की तरह 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 की खबरें फैलती है, इसलिए सबों को इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे। निचका हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगाम वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसकी गांव वाले गटी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारा राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू एक विनती है। ठाकुर ने बिना रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। उसके चेहरे पर बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है ये किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसी की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ।
तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ, और वह दरवाजे के बाहर ही ये कोने में चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कामती हुई घटरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम ली हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो, अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर चलो जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियाँ बांधू हैं, इसलिए पकाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब के स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूँ, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसका करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिला है? यों ही ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब ने कहा, बड़े बोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घरवाली की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए, कुछ लोगों ने एक बंदे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर निकल आया। आगंतुकों को में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन बैठा। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखे जाएगा, क्या कोई उपाय किया है? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपये के मोटे बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुँचे वह खिसक गया, कल देखेंगे जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छूएंगे, क्यों, बुराई की कमाई है, उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपये कसाई नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर देंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई, ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर के टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा, तुम बाहर जाओ इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव भर उसके दबदबे की मानता था, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उसके भी मन पर था, इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्रिक एक पेड़ के नीचे बैठा और हिंदू मात्रा को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आधा पहर में
उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी वह पैदल यात्रा कर सकेगी। परंतु ऐसा ना हुआ तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक चमार काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुई। इतने में दोपहर हो गया, उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह झाड़े के मारे धर धर कांप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा का स्थगित कर दिया जब तक कि उसे बेचारी की कम से कम कंपकंपी बंद ना हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कंपकंपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मीठा स्वर में उसे फिर जल्दी जाने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं तो घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देता नहीं, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको ठस से मस ना होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हांकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई, गांव कोई पास में ना था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली आ रही थी, उसकी पत्नी बुखार में बेहोश होती थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो गया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो गया गाड़ीवान का वह हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और दे देने पड़े थे। इससे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसके प्रकट करने से उस समय उसके मन में इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, यही रहेंगे, किसके यहाँ, किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे, कल सवेरे ललितपुर चलेंगे, कल का फिर पैसा मांगना उठना, कैसा मांग उठूँगा, किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूँगा, जैसे आज गांव के हट करके मांगा था बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता, क्या बतला देता, क्या सेंत मेंत ही गाड़ी में बैठना चाहते थे, क्या बे, क्या रुपये देकर भी सेंत मेंत का बैठना कहलाता है, जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं चूरे से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण भी बलिबांधी प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी, ऐसा जान पड़ता था कहीं से कहीं कोई अब निकला तब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हुई काम खड़ी, ऐसा जान पड़ा मानो फसलियाँ को उसकी ठंडी छूरी छू रही थी। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल टिटर कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देखा रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्या बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में किसी को कठोर कंड से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लट्ठे बांध कर न जाने कहां से आ गए हैं। उनमें तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरी पर एक लट्ठा पटका और दो दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने की तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ,
बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? यज्ञ ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान ने गिरगी बंद हुई, कोई उत्तर ना दे सका। रजब ने कमरे की घांट को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रजब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गाड़ी में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं, और ये कौन है बथला? उन लोगों से पूछा, एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रजब के सिर पर जो लाठी उबारी गई वह बड़ी रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रजब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी के एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रजब है, छोड़ो चले जाए यहाँ से। उसने ना माना, बोला, इसका घोंपड़ा चकनाचूर करो दाऊजू, यदि वैसे ना माने तो कसाई असाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और ना इसको पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊजू आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह परंतु लाठी लेकर गाड़ी में चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रजब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उसे मत मारो, उसकी औरत बीमार है। हाँ, मेरी बला से। गाड़ी में चढ़े हुए लौटते ने उतर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रजब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा, खबरदार, जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ी वाला लटक झक से मार कर नीचे उतर आया। नीचे वाला व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हांक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना तब लौटना, नहीं तो अपने घर मत समझिए। और तुम दोनों में से किसी में भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी से चढ़कर रजब के सिर पर लाठी थानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊजू, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। दाऊजू ने कहा, ना आना, मैं अकेला ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत में साथ घात नहीं करता, इस बात को ध्यान भाग लेना। क्या समझ में आता है छात्रों इस कहानी को? इसमें दो चरित्र के बारे में कहा गया है, रजब कसाई है, रहने पर भी ठाकुर के शरण में गया था। ठाकुर लुटेर था, चोर था, जो यात्रियों को लूटते थे, रहने पर भी उसके शरण में आने वाले को ने खात नहीं पहुंचाया था। ये बुंदेले वाले की आदत है, डाकू भी बुंदेला था, इसलिए उसके शरण में आई, रजब को अंत तक रक्षा किया और उसे वापस लौटा दिया था। इस तरह बुंदेले रजब के साथ अच्छा व्यवहार करता था। समझ में आई ना? अच्छा छात्रों, ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।